मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी 2020 के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देख रहे हैं पार्ट टू वालों के लिए। ओके, पार्ट टू की क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री सब्सिडरी की, जिसमें से ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 4 है। ओके, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे डिफाइन एंट्रोपी, फाइंड आउट द चेंजेस इन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। लेक्चर नंबर 2 में देखे थे एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल। लेक्चर नंबर 3 में देखे थे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग। ओके, कुछ ऑटो कैटालिस्ट, हेटरोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, और क्वेश्चन ये 2 का बी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का फिजिकल ख़त्म होगा, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे, फिर ऑर्गेनिक की तरफ, और 2020 का केमिस्ट्री सब्सिडरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स सब्सिडरी भी 2020 का करेंगे। चले आज का क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। क्या है डिफाइन द फॉलोइंग, पहला है ऑटो कैटलिस्ट। ओके, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट। देखिए, तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों सेम होता है, मतलब ये बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट है ना वही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लगता है। ओके, ऑटो कैटलिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर अ प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन बाय एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। ओके, और हेटरोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है, हेटरोजेनियस कैटलिस्ट इज अ कैटलिस्ट वेयर द फेज ऑफ कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम डैट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हेटरोजेनियस में क्या होता है, जो कैटलिस्ट का फेज होता है ना वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से अलग होता है, उसको बोलते हैं हेटरोजेनियस कैटलिस्ट। और ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें हम लोगों का सेम होता है प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों। ओके, हेटरोजेनियस का एग्जांपल देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का, राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को 5 दिया हुआ था, ओस्टवाल डाइल्यूशन लो, इफ्लोरे एस्केंस, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ट्रिपल पॉइंट हेस लो, ये 5 दिया हुआ है, इसमें से कोई 3 एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलता है, ए बी जो है वो टूटता है ए प्लस और बी माइनस में। तो इन 1988 ओस्टवाल अप्लाइड द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम टू द इक्वेशन। तो 1988 में इस इक्वेशन में हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तो देखिए ए बी है, ए बी कैसे टूट रहा है, ए प्लस और बी माइनस में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे, इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और ये उस जस्ट उसी समय टूटा है, तो ये 0 है और 0 है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इसमें से इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसमें क्या बचेगा, सी माइनस सी अल्फा, और इसमें सी था और सी अल्फा चला गया, तो सी अल्फा ही इसमें बना होगा, सी अल्फा और सी अल्फा। ओके, तो अब हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू बी माइनस डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी माइनस डिवाइडेड बाई ए बी। ए प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा, बी माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा, और ए बी का क्या है, सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, ये क्या आया, के का वैल्यू आया, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। और आप सभी को पता होगा कंसंट्रेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। तो हम लोग सी के जगह पे 1 बाई वी पुट करेंगे। ओके, इफ़ सी इक्वल टू 1 बाई वी सब्सिट्यूट सी वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, हम लोगों का आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपन भी इंटू 1 माइनस अल्फा 2, और ये क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं, ये जो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो ओके, तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन इज वेरी लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएशन होता है, मतलब अल्फ़ा, वो बहुत ही छोटा होता है, हेंस अल्फ़ा वैल्यू नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर। 1 माइनस अल्फ़ा जो है ना, वो अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो इसको 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या बन जाएगा, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर का के बाई सी, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट के बाई सी, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। और आप सभी को पता है क्या, 1c इक्वल टू 1/v होता है, तो हम लोग, और तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, तो 1/c की जगह पे हम लोग वी रख सकते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, रूट के इंटू
वी आ गया। तो यही हम लोगों का होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसका लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे NH4OH, CH3CH, और दिस लॉ डज नॉट एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले ही बता दी हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए भी कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ, मैं जितने भी आप लोगों को अभी तक वीडियो प्रोवाइड करवा दी हूँ सभी आप लोग उसका अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, और वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद अच्छे से नोट्स बना लेते होंगे, और फिर जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता होगा तब तक आप लोग उसको रिविज़न करते होंगे अच्छे तरीके से, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग उम्मीद पर पानी मत फेरिएगा। चलिए, क्या है 3 का भी, क्या है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है, सर्टेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट। क्या होता है, सर्टेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखिए, कोई एक निश्चित हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट होगा, ओके, एक साल्ट होगा क्रिस्टलाइन साल्ट, तो उसको जब हम लोग ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं तो वो अपना जो मॉलिक्यूल होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल, उसको वो लूज़ कर देता है, लूज़ देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल, आइदर पार्शियली लूज करेगा या फिर कम्प्लीटली, मतलब लूज़ कर देता है, इतना समझिए, एंड बिकम एनहाइड्रस। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इफ्लोरेसेंस। एग्जांपल में वुलुवेट्रोल और वाशिंग सोडा। वुलुवेट्रोल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CuSO4 × 5H2O, और वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O। तो ये हम लोग का क्या है, इफ्लोरेसेंस। हम लोग का उसके बाद सी में है कैलोमल इलेक्ट्रेट, डी में है ट्रिपल पॉइंट, और ई में है हेस्लो। तो ये तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें से हम लोग इनऑर्गेनिक देखेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर नहीं हो, और मैं कम कम पढ़ाऊँगी तो आप लोग ज़्यादा याद कर पाइएगा, और नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा नहीं बनाना चाह रहे तो टेंशन मत लीजिएगा मुझसे, अगर PDF आप लोग खरीदना चाहते हैं तो PDF खरीद सकते हैं। ओके, आप लोग क्वेश्चन मैंगा सोल्यूशन का PDF जो बिहार यूनिवर्सिटी का है उसका सोल्यूशन मेरे पास है, तो आप लोग आसानी से आके ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये हम लोगों का फिजिकल का 3 क्वेश्चन आता है हर साल, हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये तीनों बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स सब्सिडरी भी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और कमेंट करके हमेशा बताते रहिए कि हाँ इसका वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करवाइए, ताकि मैं कमेंट पढ़ के जल्दी से वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।